ऐसी बेतुकी बातों के ऊपर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, फिर भी रोज जिस तरीके से वो मीडिया के सामने आकर वक्तव्य करते या लिखते हैं, इसी प्रकार के बारे में लोकमान्य तिलक महाराज जी ने अपने एडिटोरियल में तब लिखा था कि जो व्यक्ति पागल बन चुका है या जो गांजा और चिलिम ले रहा है और उसके बाद जिस प्रकार से बयानबाजी करता है, उस व्यक्ति में और बड़बड़ करने वाले व्यक्ति में कोई फर्क नहीं। मैं इससे ज्यादा उनके वक्तव्य का और वर्णन नहीं कर सकता। संजय राउत जी अपने औकात में रहे, अभी तो कई चड्डी पहनना उन्होंने सीख लिया है, नाड़ा कभी उतरेगा पता भी नहीं चलेगा, और अपने औकात से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ना आप एक चुनाव लड़े हो ना एक चुनाव जीते हो, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम्हारा घर चल रहा है, उस व्यक्ति ने किसके ऊपर आरोप करना है सोचकर करना पड़ेगा। सर, कल हमने देखा जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक सभा की थी, लोगों को संबोधित किया, उन्होंने साफ साफ इलेक्शन कमीशन को लेकर कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है मोदी की गुलाम है, उनके इस वाक्य को किस तरह देख रहे हो? मुझे लगता है ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये उनका डिप्रेशन है, और उस फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में जब व्यक्ति आपा खो बैठता है तो कुछ भी बोलता है। मैं ऊपर वाले से इतना ही प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। सर, हमने ये भी देखा, चुनाव निशान और पार्टी का नाम शिंदे जो गुट पहले था अब शिवसेना मिल गई है पार्टी, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कई सारे जो उनके पहले साथ में रहे हुए लोग थे जो पार्टी से अलग हुए शिवसेना से तब के, उनमें भी इस बात को कहीं ना कहीं लेकर एक जो है खुशी देखी जा रही है कि वो अब शिवसेना उनके साथ नहीं रही जिनके साथ उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा कभी कुछ किया था या उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ था। देखिए, उद्धव जी ने शिवसेना के विचारों को तो पहले ही त्याग दिया था, उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया, सत्ता के लिए स्वैराचार किया, दुराचार किया, अपने पार्टी के वफादारों को पार्टी से निकाला, अपने परिवार को साथ में भी नहीं रखा, उनका सगा भाई उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करने का न्यायालय में लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने अपने आप को ठाकरे परिवार से और अपने विचारधारा से अलग तो पहले से ही किया था, आज सिर्फ न्यायालय से उसके ऊपर मोहर उठी है। सर, आशीष जी, सर उद्धव ठाकरे पर और बयान ने कहा है कि पीएम मोदी जो महाराष्ट्र में आते वो बाला साहब ठाकरे का मुखौटा पहनते हैं, उनकी मुखौटे की जरूरत पड़ती है उनको महाराष्ट्र में आकर। देखिए, जो रास्ते पर, मैदान पर, चौराहे पर नुक्कड़ का खेल खेलते हैं वही मुखौटे की बात करते हैं, और इसे नुक्कड़ का खेल करने वालों को रहा चलता हुआ आदमी जेब में बचे हुए पैसे फेंकता है उससे ज्यादा कीमत नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन के निर्णय के खिलाफ कल जो है उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है चैलेंज देने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पूरा जो डिसीजन था पहले से ही फिक्स था, क्योंकि नारायण राणे एक हफ्ते पहले ही स्टेटमेंट दे चुके थे कि शिंदे गुट को ही तमगा, पार्टी का नाम और सिंबल मिलने वाला है। न्यायालय में तो कोई भी जा सकता है, उनको अधिकार है, कोई भी व्यक्ति इस देश का न्यायालय में जा सकता है, बतर्श उनसे निवेदन इतना ही है कि जो बेतुकी बात संजय राउत जी कह रहे हैं वो अपने न्यायालय के पिटीशन में जरूर कहने की हिम्मत रखे। सर, सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ एक और बयान दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जनता की अदालत में हम बहुत जल्दी उतरेंगे और वहां पर जो सजा है वो बीजेपी को मिलेगी। ऐसी ये बात पहली बार नहीं कर रहे वो, ये ऐसी बात उन्होंने 2014 में की थी, मुंह की खानी पड़ी। उद्धव जी ने ऐसी बात 2017 में की, मुंह की खानी पड़ेगी मुंबई महापालिका चुनाव में। ऐसी ही बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय की, मुंह की खानी पड़ी। ऐसे ही बात गोवा चुनाव में उन्होंने की, मुंह की खानी पड़ी। तो उनको आदत ही है मुंह की खाने की, तो ऐसे बैन करेंगे। असे स्वप्न बघायला ना कुठला टॅक्स आहे ना कुठला जीएसटी आहे। उद्धवजी आणि त्यांच्या परिवाराला आता खूप वेळ आहे, त्यांनी नक्की स्वप्न बघावी, कुठलाही याच्यावर टॅक्स सेंट्रल गव्हर्नमेंट लावणार नाही ना जीएसटी लावणार।
सर सामना के संपादकीय में ये कहा जा रहा है कि तानाशाही शुरू हो गई है, जुडिशरी हो चाहे जितनी भी इंस्टीट्यूशन हो उन सभी के ऊपर दबाव देकर एक तरह से एक छत्र राज करने की कोशिश की जा रही है और ये डिक्लाइन की तरफ एक तरह बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है जिसका नतीजा 2024 में देखने को मिलेगा और इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया भी एक के बाद एक आर्टिकल उनके खिलाफ मोदी जी के खिलाफ लिख रही है। क्या कहें, लोकमान्य तिलक जी का वाक्य मैं फिर एक बार कहूंगा, जिस व्यक्ति का आपा खो चुका है या जो पागल हुआ है या गांजा चिली मोड़कर बैठा है उस प्रकार का व्यक्ति और इस प्रकार के लेख, इसमें कोई अंतर नहीं है। मराठी मध्ये मोदी जेव्हा मुंबईत येतात तेव्हा बाळासाहेबांचा मुखवटा घालून प्रचार करतात असं मराठी मध्ये मुखवटा आणि मुखवट्याचा खेळ चौराहावर आणि नाक्यावर खेळ करणाऱ्या लोकांचा असतो आणि असे खेळ खेळणाऱ्यांनाच मुखवटा आणि त्याची भाषा कळते। तिथून जाणारा माणूस फक्त खिशातला चिल्लर रुपये त्याच्याकडे फेकतो, त्यापेक्षा जास्त किंमत मुखवटा आणि मुखवट्याची गोष्ट करणाऱ्याला